बहुत हताशाजनक महसूस होता है जब हम एक औरत पे करे हुए कृत्य के बारे में पढ़ते हैं, वुमेन वायलेंस, वुमेन रेप, इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो दिल पता नहीं टूट सा जाता है। और इंडिया में तो वुमेन वायलेंस पे जरूर आवाज उठनी चाहिए, वुमेन रेप्स पे आवाज उठनी चाहिए। जब हमने निर्भया के बारे में सुना, मनीषा के जस्टिस के बारे में सुना, और ना जाने कितने ही नाम, कितने ही रेप्स विक्टिम्स, कितने ही एसिड अटैक विक्टिम्स फीमेल्स के बारे में जब हम सुनते हैं, तो हमें बहुत दिल अंदर से जब जोड़ता है और लगता है कि नहीं, इस बारे में बात करनी चाहिए। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट वुमेन रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टिंग हर राइट्स। बहुत लोगों को इस बारे में बात करते हुए भी सुना है कि औरतों को इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए तो आपको क्या इशू आ रहा है, वो इस तरह से करें तो क्या इशू आ रहा है। लेकिन क्या रिस्पेक्ट सिर्फ औरतों तक ही सीमित है? क्या अमन बैसला के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जो उसके रिस्पेक्ट को हर्ट किया और उसने अपने साथ सुसाइड किया? क्या सुशांत सिंह के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जो उसके रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है? और ना जाने कितने ही नाम हैं जो शायद न्यूज़पेपर के एडिटिंग्स में नहीं आए हैं, ना जाने और कितने ही नाम हैं जो हमें हमारे घर के आसपास हैं लेकिन आगे नहीं आते। आज मैं बात करने वाली हूँ दैट यू नॉट ओनली रिस्पेक्ट वुमेन, एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। बहुत सी एडवाइस के बाद मैंने ये वीडियो सोचा है कि खुल के बाहर आओ और इस बारे में बात करूँ, ये वीडियो बनाओ। इससे पहले कि आप मेरी इस वीडियो को सुने, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बता रही थी कि why we should respect women, why we should respect men and how to respect the people। देखिए, औरतें एक ऐसा तबका है जो हमेशा से ही इंडियन सोसाइटी में थोड़ा नीचे रहा है, और उस बारे में बात करने के लिए हमें हमेशा एक ऐसे कारण की जरूरत पड़ती थी जो जोश देता है, और जब वो जोश आने लगता है तब वो कुछ दिन तक वो जोश चलता रहता है और फिर धीरे 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 शांत होने लगता है। चाहे वो एसिड अटैकर्स के बारे में बात की जाए, चाहे रेप के बारे में बात की जाए, चाहे फीमेल मोलेस्टेशन के बारे में बात की जाए, 3 साल की बच्ची से लेकर 55 साल की विधवा तक के साथ सारी चीजें हुई हैं, तब इंडिया को पता नहीं जोश आता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट होना शुरू हो जाता है, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट दिस, रिस्पेक्ट दैट। व्हाई इट शुडंट बी रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग्स? व्हाई इट शुडंट बी दैट रिस्पेक्ट मेल्स, रिस्पेक्ट मेन? रिस्पेक्ट एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है जो हमारे ह्यूमन राइट्स में हमें मिला है। सारे ह्यूमन राइट्स से कहते हैं दैट It has to start from respect the dignity। एक दूसरे को value करना शुरू कीजिए, एक दूसरे को जो वो है उसे value करें, rather than respect के मायने बदल दें जो हमारी blindness society में चल रही है। उसकी caste क्या है, creed क्या है, वो दिखता कैसे है, उसके पास पैसा कितना है, उसका status कितना है, वो मोची है, नाई है, कपड़े सिलता है, और मैं तो भाई मालिक हो गया, businessman हो गया, तो I shouldn't respect them। Big no, big wrong। Respect की definition में कभी भी status, class, caste नहीं आती। रिस्पेक्ट की डेफिनेशन ह्यूमन बीइंग्स को होती है, लाइफ्स को होती है। बच्चों को हम सिखाना तो शुरू कर देते हैं कि बेटा कलर्स करो, प्ले करो, ये करो, लेकिन रिस्पेक्ट एक मॉरल है, और जब तक आप ये मॉरल नहीं सिखाएंगे, आपके बच्चे कभी भी एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते हैं। जब तक आप अपने मॉरल्स पे अडिग नहीं है, तब तक आप गलत हैं। किसी को भी चलते हुए कुछ भी बोल दिया, ये कैसा लग रहा है, ये क्या कह रहा है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रिस्पेक्ट द पीपल एज इट इज। एक मोची के साथ बैठ के बात करो, उसे रिस्पेक्ट करो कि वो क्या काम कर रहा है। एक टेलर के पास जाके उससे ये पूछो कि उसकी लाइफ का स्ट्रगल क्या रहा था। किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके पास कितना पैसा है डिपेंड नहीं करता है। बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है कि इसके औकात क्या है, मेरे आगे मैं इसको क्यों रिस्पेक्ट करूं, अरे मैं इससे क्यों बात करूं। दोस्ती करना, ना दोस्ती करना आपके हाथ में हो सकता है, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट करना आपके हाथ में नहीं है। आप उसके साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए इस तरह के कटाक्ष, इस तरह के शब्द देना बिल्कुल गलत है। रिस्पेक्ट द पीपल, उनको
एक इज्जतदार आदमी वही है जिसे दूसरों को इज्जत देना आता है, और हम सब का ह्यूमन राइट है रिस्पेक्ट लेना, बहुत जरूरी है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप किसी को नमस्ते करते हैं, किसी से मिलते हैं और वो आपसे नमस्ते नहीं कर रहा है, ये उसका मॉरल वीक है कि उसे किसी भी इंसान को डिस्पाइट ऑफ नोइंग वो क्या करता है रिस्पेक्ट देना जरूरी है। जैसे बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इंडिया में, मैं नाम लेना चाहूंगी, जहाँ रिस्पेक्ट पता नहीं क्यों नहीं दी जाती और प्रोफेशन के बेस पर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। जैसे डॉक्टर्स नर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अच्छा आप ये हैं नहीं देते हैं, बिजनेसमैन चाय वाला को रिस्पेक्ट नहीं देता है, मोची को रिस्पेक्ट नहीं देता है, गलत बात है। प्रोफेशन बेस पे कभी भी रिस्पेक्ट नहीं टर्न होनी चाहिए। उसके बाद क्लास या पैसे के हिसाब से कभी भी रिस्पेक्ट के डिमार्केशन नहीं होने चाहिए। कास्ट भी एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट जोन है, लोगों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है कि तुम शूद्र हो, तुम इस प्रजाति से हो, बिल्कुल भी नहीं। रिस्पेक्ट एक मॉरल वैल्यू है, एक ऐसी स्किल है जो सारी स्किल से सबसे पहले आती है। हमेशा कोशिश करें एक आदमी के होने पर उसको रिस्पेक्ट करें। वुमेन को डेफिनेटली रिस्पेक्ट थोड़ी सी, शायद हम बोलेंगे ज्यादा करें इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि वो शुरू से थोड़ी सी दबी रही है, इसलिए बोला जाता है कि भाई उनको ज्यादा करिए। बट कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं, और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जेंडर कोई रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया नहीं है। रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए मेरा खुद का मॉरल, और रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए इट्स ओपन फॉर ऑल। हर किसी से आप कैसे कर सकते हैं, काइंड रहे हर किसी के साथ, कोशिश करें किसकी मैं कितनी भी मदद कर पाऊँ वो करूँ, पोलाइट रहें, गुस्सा ना करें, ये तो छोटी जात का, इससे मैं झूठ भी बोल दूंगा या इसको तो मैं गुस्से से भी बोल दूंगा तो उसे सहना पड़ेगा, इसको तो मैं ये नहीं भी दूंगा तो चलेगा, औरत है ये नहीं दूंगा तो चलेगा, ये प्रोफेशन है ये नहीं दूंगा ये चलेगा। प्लीज बी पोलाइट, बी काइंड, लिसन टू देयर व्यूज एंड दे हैव दिस रिस्पेक्ट टू स्पीक। बोलना भी एक रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया है, बोलने भी दीजिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो सबके दिल तक और दिमाग तक जरूर पहुंची होगी। जब हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ना, तो शायद वो एक ऐसी मानसिकता का चुनाव करता है जिसमें वो आगे और लोगों को बदनाम कर सकता है। जैसे हम रेप्स के बारे में बात करें, रेप्स में ऐसी क्या मानसिकता चली जाती है कि एक अच्छा खासा लड़का किसी लेडी के साथ इतना ज्यादा बुरा कर देता है कि उसके अंदर कांच की बॉटल्स डाल रहा है। क्या है, शायद कोई ऐसी मानसिकता ठंडी होगी ना उसके अंदर कि उसने स्टेप ले लिया, और नाबालिग क्या हुआ होगा, शायद वो ये हुआ होगा कि किसी ने उसको बचपन में वो रिस्पेक्ट नहीं दी होगी उसके मैन होने पे, शायद किसी ने उसके सेक्सुअल एक्टिविटी को ब्लेम किया होगा, शायद किसी ने उसकी सोच को रिस्पेक्ट नहीं दी होगी तभी शायद उसने ऐसा किया। तो आगे ये चीजें ना बढ़ी, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द पीपल। एंड I'll not advocate that only respect women, respect human, and it's important. So आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है। कमेंट करके भेजिए कुछ ऐसा जो मैं छोड़ दिया है मैंने बात करना, और कुछ ऐसा जो आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मुझे लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश ये करें कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।